हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है बहुत ही खास दिन और वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो मॉर्निंग हो चुकी है और बज रहे हैं सुबह के 9। तो बस झाड़ू पोछा मैंने कर ही लिया है और आज मैंने हेयर वॉश किया है अपना, क्योंकि आज है कृष्ण छठी, यानी जन्माष्टमी के बाद 6 दिन बाद पे मनाई जाती है भगवान श्री कृष्ण की छठी, यानी कि अपने लड्डू गोपाल की छठी। और आज के दिन मनाए जाते हैं कढ़ी और चावल। तो कढ़ी चावल बनाकर उनका भोग लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। तो बस मैं आज बनाने वाली हूँ कढ़ी चावल। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और करते हैं आज की तैयारी। ये कढ़ी और दूसरी साइड में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो कढ़ी को मैंने एक साइड बनने के लिए रख दिया है और इतने मैं अपनी आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ साइड में, जिसमें कि मैंने कुकर में डाल दिए हैं टमाटर। और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि सबसे पहले मैंने किया हल्दी पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर, फिर उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, और फिर लास्ट में एक बहुत ही मसाला मैं लेकर आई थी आलू की सब्जी का मसाला, तो मैंने वो ऐड किया है। तो इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, कसूरी मेथी से तो ना सब्जी का स्वाद डबल हो जाता है, आप ये मानिए। और अब इस सारे मसाले को मैं अच्छी तरीके से पका रही हूँ, क्योंकि जब तक मसाला नहीं भूनता ना तो सब्जी में टेस्ट नहीं आता। तो हमें मसाला जो है ना अच्छी तरीके से भूनना है, जिससे कि सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाए। तो मसाला जो है वो भूनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जी जो मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ली है। तो सब्जी तो मैंने सारी कुकर में डाल दी है और बार बार ना कढ़ी को भी चलाना होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेन काम होता है कढ़ी में कि उसको चलाते रहना चाहिए। इसकी लीड मैंने लगा के रख दी है और अब कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़ियाँ। अपनी मॉर्निंग ड्रिंक अब मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। कुछ कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? फ्रेंड्स, आटा गूंथ के रख दिया है, सब्जी बन चुकी है, अब एक तरफ रखी है चाय और कढ़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैंने चाय में सब चीज़ें डाल दी हैं, बस अदरक डालना बाकी है। तो ये डाला अदरक और कढ़ी भी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि कढ़ी में जो है अच्छी तरीके से उबाल आने देना चाहिए, तभी कढ़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड, चावलों को जो है मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, अब मैं चावल चढ़ाऊंगी। चावल जो है मैं वो उबाल कर ही बनाती हूँ, क्योंकि उबाल कर ही बनाना चाहिए, क्योंकि इससे चावल का जो स्टार्च होता है ना चावल में वो निकल जाता है और चावल नुकसान नहीं करते। और मैंने रात जो है आलू गोभी की सब्ज़ी काट ली थी, इसीलिए फिर मैंने फटाफट से मुझे दोनों ही चीज़ें बनानी पड़ी है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। ये देखिए कौन झाग रहा है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने स्पीड में सारा ये काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया है। कढ़ी चावल बनाए हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, अब रोटी बनाऊंगी, चाय बनाई है और कपड़े भी धोए हैं, साथ में मशीन भी लगा रखी है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया, बट इतना आदत है, इतना काम करना चाहिए।
तो अब मैं ले आई हूँ चाय, तो चाय पीने के बाद मिलती हूँ। सजा दी है, अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो भोग लगाने के लिए मैं आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ अपने कान्हा जी। देखिए आज कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने इतनी प्यारी ड्रेस अपने कान्हा जी को पहनाई है और राधा रानी को पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है। इतने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों, बहुत ही सुंदर। और देखिए भोग की थाली जो है वो तैयार कर ली है मैंने, कढ़ी चावल, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। अब मैं लगाऊंगी भोग। तो सबसे पहले मैं भोग लगा रही हूँ कढ़ी और चावल से, और कढ़ी चावल से लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रोटी और सब्जी का भोग। तो ये देखिए मैंने भोग जो है लगा दिया है सभी भगवान जी को। और अब मैं थोड़ी देर के लिए भोग की थाली यहीं पे मंदिर में छोड़ दूंगी, जिससे कि जितने भी मेरे मंदिर में जो भगवान है वो विराजमान है सभी अपना अपना भोग ग्रहण कर लें और हमें आशीर्वाद दें अपना। इसी तरीके से हमें सभी भगवान को भोग लगाना चाहिए। जी को भोग लगाने के बाद मैं इस भोग की थाली को लेकर जा रही हूँ और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस भोग में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लेंगे। और सभी लोगों को इसी तरीके से भोग का प्रसाद जो है घर में सभी मेंबर को दे देना चाहिए। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ स्कूल जाने के बाद। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ, आप लोगों को बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये 10th क्लास के बच्चे हैं और इनके अभी कुछ दिनों में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो और जो मतलब इस टाइम जब मैं आती हूँ ना यहाँ पे इतनी धूप होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, और यहाँ पर सभी बच्चे बैठकर अपना रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में मैं इनका टेस्ट लेने वाली हूँ और क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट है आज इनका। और फिर जब ये चले जाएंगे फिर मेरी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है, उसमें आते हैं मेरे 9th क्लास के बच्चे। तो बस चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जग के क्या किया फिर? ये मेरी स्टूडेंट है 9th क्लास की, आज इसका बर्थडे है। ये जो रेड कलर का सूट पहना हुआ है जिसने, तो यहाँ पे ये मुझे कुछ बता रही थी, इतने में कुछ गेस्ट आ गए बच्चों को ट्रीट देने के लिए, तो फिर ये रुक गई यहाँ पे। बताते बताते कैमरामैन आज रेड वाली लड़की पे फोकस है पूरा। ये शर्मा गई देखो मेरे को देखते ही। आज इसका बर्थडे है तो हम थोड़ी देर में इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अमर आएगा, विकास आएगा।
आज हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और स्पेशली बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोग जैसा देख रहे हैं वीडियो में, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी फ्रेंड का बर्थडे है आज। और बस सभी, मेरी क्लास की ये बहुत अच्छी खासियत है सब बच्चों की कि जिसका भी बर्थडे होता है सभी थोड़े थोड़े से पैसे मिलाकर उसका बर्थडे इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और मैं इस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ कि बच्चों के अंदर मतलब इतनी अच्छी थिंकिंग है मेरी क्लास के बच्चों की और वो इतना सोचते हैं अपने क्लासमेट्स के बारे में। तो सभी बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे जितना होता है वो उतना कर लेते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।